Welcome to Advanced School of Math and Science, Chapter 1, Part 2, Episode Number 2, Class 9 का Mathematics Number System का Second Part अब हम लोग करेंगे और entry हुआ irrational number का, यानी पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले irrational number को खोजा। पाइथागोरस को आप जानते होंगे, पाइथागोरस त्रिक भी जानते होंगे, तो आइए आप लोग पाइथागोरस साहब ने कैसे खोजा। तो सबसे पहले रूट टू को उन्होंने ढूंढा, यहां पर वार, यहां वार, ये रूट टू, यहां ये रूट टू को दिखाया गया। इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर को डिफाइन पाइथागोरस साहब ने कैसे किया? उन्होंने कहा कि रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल जीरो होता है। अब इरेशनल नंबर में p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब उनका एक सस्पेंस आ गया कि इसी टाइप का भाई सच होता है, तो यहां पर रूट टू सच है और ये इरेशनल नंबर भी है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है लेकिन पाई सर्च नहीं। यह मन की दुविधा को उन्होंने कर लिया इरेशनल नंबर को। आइए उनसे मिलते हैं, बातचीत होती है। तो यह डिफिनेशन तो हमने आपको कह दिया पाइथागोरस साहेब के बारे में, यही बात को उन्होंने रूट टू के बारे में सबसे पहले किया। अब देखिए यहां पर एक यूनिक बात बताते हैं कि नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, कैन नॉट बी रिटेन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल जीरो। जैसे यहां रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फिफ्टीन है, पाई है, या ये वैल्यू है, इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये कभी पीरियड नहीं है, कभी दो का, तीन का, कभी चार का, कभी पांच का। अब रेशनल और इरेशनल के बारे में अच्छे से आप जानेंगे। आप देखो रूट अंडर फोर को करोगे तो टू आएगा, तो प्लस टू भी होगा, माइनस टू भी होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करोगे तो आएगा। रूट टू इरेशनल नंबर है, रूट फाइव इरेशनल, रूट सिक्स इरेशनल, रूट सेवन, रूट टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन को रुक जाना, सेवनटीन। अब तुमको चाहे ना प्रूव करना तो हम प्रूव करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन तुमको अफसोस टेंथ क्लास में इसके डिस्कशन में। अगर हम बात करें पाई की वैल्यू का, तो पाई की वैल्यू सबसे पहले आर्किमिडीज साहब ने, हम इससे पहले आपका रिवीजन रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, रेशनल इरेशनल, ये दोनों को मिला दीजिएगा एक ही घर में तो हो जाएगा रियल। ये रियल नंबर का भाग हो गया, इसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है, देखा इरेशनल है रूट अंडर इलेवन। आइए मिलते हैं, होठों में थोड़ा उल्टा कर दिया यार, ये फादर ऑफ सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के फादर हैं जॉर्ज कैंटर साहब। इनमें आप नहीं होगा, जॉर्ज कैंटर नाम था इनका, इनके भाई थे जॉर्ज काउंटर। यहां कैंटर और काउंटर के बीच में अंतर है, अपवाद देते थे इनके भाई, और ये कैंटर साहब ने सेठ थ्योरी दिया मात्र 15 वर्ष की अवस्था में 1860। ये दोनों ही जर्मन मैथमेटिशियन हैं। यह बात को क्लियर हो गया। अब यहां पर इरेशनल नंबर को लोकेट करना पाइथागोरस साहब ने सिखाया,
इन्होंने बताया कि एक यूनिट अगर आप ऐसे जाएं और 90 डिग्री पर भी एक यूनिट चले तो यह वैल्यू रूट टू होगा, क्योंकि पाइथागोरस के अनुसार आप पढ़ चुके हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तुम्हारे पास यह भी मैं बात बार बार बात करता हूं, इन्होंने ट्रायंगल को पहचानना सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन होगा, एक वीट एंगल ट्रायंगल भी इन्होंने सिखाया था, क्यूज एंगल ट्रायंगल भी सिखाया था। इन्होंने यह कहा था कि ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है, अगर ए बी सी ये तीन साइड है और सी इसमें बड़ी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो गया अगर सी स्क्वायर तो यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो गया सी स्क्वायर तो यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। उन्होंने ये बोला था। यहां पर एक पेज हम लेकर के यहां पर एक क्वेश्चन मैं पूछने का प्रयास करूंगा, यहां पर एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, यह आपका कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह ट्रायंगल है, अब बॉन्ड का कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए, यह 3x प्लस 4y है और यहां पर 4x प्लस 3y है और यहां पर 5x प्लस 5y है, तो यहां पर ट्रायंगल एक कैसा है, तो सबसे बड़ी साइड है यानी बड़ी वाली साइड बड़ी है, यानी यह जो है आपका एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। यह बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास रूट थ्री को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल ऐसा, यहां ये वाला यहां से इस पर डाल देंगे ये वाला, तो रूट टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर करेंगे रूट थ्री हो जाएगा। ए तुम्हारे पास हो गया है। अब एक्सरसाइज की हम बात करेगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई द योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बिल्कुल रियल नंबर का दो बेटा, एक का नाम रखा रेशनल, दूसरा का नाम रखा इरेशनल, यानी यह रियल नंबर है, यहां रेशनल और ये पार्टी इरेशनल। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एन, या एम पर डिपेंड करेगा, ये रूट अंडर एम है, अगर एम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रेशनल हो जाएगा, और एम नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो यह इरेशनल। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नो यार, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। पहला क्वेश्चन बनाने में कोई तरह का तुम्हारा दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लिए कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, इसको समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बात करेंगे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट रेशनल। तो यहां पर तुम्हारे पास हम एग्जांपल देते हैं, रूट अंडर टू इरेशनल नंबर है, रूट अंडर थ्री इरेशनल नंबर है, रूट अंडर फोर ये टू है रेशनल नंबर है, रूट अंडर फाइव इरेशनल नंबर है, रूट अंडर सिक्स, रूट अंडर सेवन, यहां पर रूट अंडर एट, रूट अंडर नाइन तीन आ जाएगा रेशनल नंबर, रूट अंडर टेन, रूट अंडर इलेवन, रूट अंडर ट्वेल्व, रूट अंडर थर्टीन, रूट अंडर फोर्टीन और यहां रूट अंडर फिफ्टीन, रूट अंडर सिक्सटीन यह रेशनल नंबर। यानी तुम कह सकते हो
यहां पर रूट अंडर एम है और एम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, तो वह आपका रेशनल होगा और इसके अलावे है इरेशनल होगा। अब तुम्हारे पास शो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, बिल्कुल ए वन है, ए वन ए वाला यहां पर डालोगे ए रूट, यहां डालोगे यहां डालोगे अब यहां पर तुम्हें हम चाहेंगे कि रूट अंडर एक्स को ही नंबर लाइन पर दिखा देना तो सारा दुख दस रूप ये जीरो है, ये एक्स और यहां वन। अब तुम्हारे पास यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल लिया और इसको खड़ा कर दिया, यह पॉइंट ए कहलाया, यानी ए सी हो गया, सी हो गया, बी हो गया। अब तो लॉजिक बताओ कि ए सी का वैल्यू एक्स प्लस वन बाय टू, चूंकि एक्स यूनिट ए था वन यूनिट, अब उसी को बाइसेक्ट किया है तो एक्स प्लस वन बाय टू हो जाएगा। बी सी का वैल्यू बी एक्स प्लस वन बाय टू हो जाएगा, लेकिन सी ओ का वैल्यू निकालना है तो यहां पर बी सी में से ओ भी घट है और बी सी तुम्हारे पास एक्स प्लस वन बाय टू है और ओ बी को वन यूनिट, तो एक्स माइनस वन बाय टू, यानी सीओ का वैल्यू एक्स माइनस वन बाय टू। अब देखो तुम्हें ए सी मालूम है, सीओ मालूम है, यानी एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, तो एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ओसी है एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन बाय टू और यहां एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाय टू। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा, तो यहां पर फोर एक्स बाय टू, फोर से फोर कट गया, यानी यहां पर एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी एओ बराबर रूट अंडर एक्स हो गया। यानी अब नंबर लाइन पर तुम्हें दिखाना बिल्कुल आसान हो गया कि अब रूट फाइव दिखाना था तो यहां और दी और यहां से हम फाइव ले लेंगे और ए वाला एक ले। अब यहां पर हम सेमी सर्कल खींचेंगे और ये हो गया और ए वैल्यू तुम्हारा रूट फाइव आया, यह बात तुम्हारे पास हो गया। यानी अब कोई भी नंबर लाइन पर तुम्हें दिखाना होगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू को दिखाना हो, रेशनल को दिखाना हो, इरेशनल को दिखाना हो, या जिस सिचुएशन को दिखाना हो, यानी आप दिखा सकते हैं। जैसे 9.1 को दिखाना है, यहां ऑरिजिन ले लेंगे, ये वाला 9.1 और ये वाला 8, सेमी सर्कल खींचेंगे और तुम्हारे पास ये हो गया, ये तुम्हारा 9.1, क्योंकि ये वाला यहां रखते हैं इसको दिखाते हैं। इसी ढंग से रूट सेवन दिखाना रहेगा, क्या दिखा दोगे? यहां ऑरिजिन से 7 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, यहां पर क्या रूट अंडर टू को दिखा दोगे? Thank you.
क्या रूट अंडर फाइव को दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा दोगे। अब तुम्हारे पास लेकिन क्लासरूम में इसको एक्टिविटी करना है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ द पेपर एंड कंस्ट्रक्ट टू द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विथ ए द पॉइंट टू, यहां ये वो से स्टार्ट करो तो आपको रेट ले लेंगे वो से स्टार्ट। अब यहां ओपी वन वन यूनिट लिया, अब तुम्हारे पास पी वन से पी टू की भी दूरी वन यूनिट लिया, यानी ए वाला रूट टू हो गया। अब रूट टू से एक यूनिट लिया, ए वाला रूट थ्री हो गया। रूट थ्री से एक यूनिट लिया, रूट फोर। इसको मजा दो, समझा? क्लास में हमेशा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें चाहे जो स्टाइल का खुशी मिले खुशी मिलते रहना चाहिए। रूट बाय, अब यहां पर फिर एक यूनिट बनाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। या रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट बाय, रूट सिक्स, सेवन, ये आराम से तुम दिखा सकते, क्योंकि देखो जब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे पास इंटरेस्ट नहीं जगेगा, तो तुम्हारे पास ये बेकार है। ये सब चीज तुम्हारे पास होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों करने आ चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि ये आराम से तुमको करने आ गया, तो अब तुमको जो है रूट फाइव, रूट सेवन, जैसे तुमको अगर कोई दिखाने की गाड़ी रूट अंडर ले, तो देखो ऐसे भी तो दिखा सकता है थ्री के स्क्वायर प्लस वन, यानी पहले तीन यूनिट बन जाएंगे एक दो तीन और इस पर एक खड़ा हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इजी प्रोसेस क्या है, यहां ओरिजिन ले लिया और यहां पर दस यूनिट ले लिया, यहां से एक यूनिट ले लिया, सेमी सर्कल खींचा, ये हो गया, ये वाला रूट अंडर टेन हो गया। ये बिल्कुल आसान तरीका है, और इसमें क्या है कि पॉइंट वाले में लफड़ा फंस सकता है, क्योंकि आपको ये नेचुरल नंबर में चल जाएगा, किसी ना किसी स्क्वायर के पास रहेगा, आराम से होते चला। यानी चलो हम लोग ये बात को बिल्कुल समझ गए हैं, इसमें कोई तरह का दुमत की बात नहीं है, अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन विंडो का टाइम आने वाला है, लेकिन आने से पहले तुमको यहां पर कुछ और पेज लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। और चूंकि अब देखो तुम्हारे पास नंबर लाइन पर दिखाना, रेशनल और इरेशनल पहचानना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आम बात हो गया। अब देखना है कि उसके बीच में है या नहीं है, या बात को जानना जरूरी है कि उसके बीच में है या नहीं है। आइए हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब देखो यार, तुम बात बताओ, यहां एक है और यहां दो, यानी 1.0 से ये 2.0 तक है। अब किसी की वैल्यू 1.1 आ रही है, किसी के बीच में है कि नहीं है, 1.2 भी इसके बीच में है कि नहीं है, यानी इसको 10 खाने में बांट दिया। यानी यहां पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये बात हमारे पास क्लियर। अब देखो इसकी भी बंटवारा करेगा ना, तो पहले तो ये 10 बार में था, अब फिर बंटवारा हो गया तो 1/100 का हिस्सा हो गया। मेन बात समझ लो, यानी 1.01 ये 100 का, अब 5-6 क्लास में पढ़े थे 1/10 का 1/10 1/100, अब फिर इसकी बंटवारा करेगा तो 1000, फिर बंटवारा करेगा तो 10,000। इस तरह
चला जाए। यह बात तुम्हारे पास क्लियर है? यानी आप जो है यह आप बात को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन विंडो का समय आ गया। अब तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर यस यानी ट्रू है, क्योंकि आप यहां पर देखोगे कि रियल नंबर को यहां ये रेशनल और इरेशनल। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। नो। अगली प्रश्न एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम, एम इज द नेचुरल नंबर। यस। अब तुम्हारे पास है इस पर थोड़ा गणित बनाना पड़ेगा। यह गणित बहुत अच्छे से आता है सब लोग, तो पहले बना लेते हैं। यहां रूट अंडर सेक्स और फिर मजा ला देंगे। मैथमेटिक्स में आपको मैं बता रहा हूं कि मजा आ जाएगा। इसको आप एक्स मान लीजिए, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, यानी सिक्स प्लस एक्स 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 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री, टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, यानी एक्स बराबर थ्री और माइनस टू तो थ्री होगा। लेकिन यही माइनस में रहता ऐसे तब कैसे होता? ये इंफिनिटी तक। अब इसको x मानते हैं, x स्क्वायर इसका टू सिक्स माइनस x और x स्क्वायर प्लस x माइनस सिक्स इक्वल जीरो, यानी x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो। x कॉमन x प्लस थ्री माइनस टू कॉमन x प्लस थ्री इक्वल जीरो, x बराबर टू और माइनस थ्री। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि तुम्हारे पास ये आ गया, यानी 12 रहेगा तो पॉजिटिव, यानी प्लस रहेगा तो पॉजिटिव, माइनस रहेगा तो निगेटिव। और प्रश्न जब भी पूछेगा तो यहां पर पूछेगा एन इंटू एन प्लस वन, यानी एक गुने दू बराबर दू पर पूछेगा, और दू गुने तीन किए तो छह पर पूछेगा, और तीन गुने चार किए तो बारह पर पूछेगा, और चार गुने पांच किए तो बीस पर पूछेगा, पांच गुने छह किए तो तीस पर पूछेगा, छह गुने सात किए तो बयालीस पर पूछेगा, और सात गुने आठ किए तो छप्पन पर पूछेगा, और आठ गुने नौ किए तो बहत्तर पर पूछेगा, और नौ गुने दस किए तो यहाँ नब्बे पर पूछेगा, और दस गुने ग्यारह किए तो तुम्हारा एक सौ दस पर पूछेगा। अगर सपोज करो कि इसके अलावे भी पूछ लिया, तो ऐसा करते हैं यहां एक पेज लेकर के इसकी थ्योरी बनाते हैं। यहां ए है और फिर ए है। अब तो तुम्हारा हम ए को डिक्लेयर कर दिया है ना, अब तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो पूछ ही सकता है। यहां एक्स बना दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, ए हो गया, और फिर तुम्हारा पास पुनः x। अब x स्क्वायर माइनस x माइनस a इक्वल जीरो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीधा आचार्य रूल से सॉल्व करोगे तो यहां पर प्लस वन रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस फोर ए। अब बाई अब ये पर डिपेंड करेगा कि ये अगर उसके n इंटू n प्लस वन पर आएगा तो स्पीड में बच जाएगा सोचो कुछ उसे पच्चीस, यहां पर चार दुनिया फिर नौ, ये क्यों ए का वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन होगा। यहां पर तुम्हारा क्लियर हो गया। अगर ये माइनस में होता तो यहां पर ये माइनस हो जाता, यानी एक्स बराबर तुम्हें याद रखना है कि फोर ए प्लस वन बाई टू जब ए पॉजिटिव में है। अगर वो एक्सप्रेशन से मूल निगेटिव में है तो यहां माइनस हो जाएगा। जो आना है आने दो, छह छह को चौबीस एक पच्चीस में से पच्चीस का पांच पांच एक छह छह बटे दो कर दिया तो तीन हो गया, और यही माइनस हो जाता
तो 25 का यहाँ पर 5 हुआ, 5 में से 1 लिया तो 4 हुआ, 4 बटे 2 कहते तो 2 हो गया, यानी अब क्वेश्चन को देखते ही उन लोगों को बनाने का तरीका हो गया है। मान लो अब यहाँ पर रूट 5 है और इंटू रूट अंडर 25 है, तो यहाँ रूट अंडर 5 और यहाँ पर 5 इंटू रूट अंडर 5 यानी यहाँ 25 हो गया। अगला तुम्हारे पास जो है वह ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ए भैया रेशनल नंबर को आर से माने हैं, इसको एस से माने हैं, एडिशन के लिए ठीक है इरेशनल, यहां पर डिफरेंस के लिए भी ठीक है सर, मल्टीप्लाई के लिए भी ठीक है सर, नहीं सर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए सही नहीं है, आपको आर के बारे में लिखना होगा कि नॉट इक्वल जीरो है तब सही होगा सर, यह बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ गए, यहां पर एस बाई आर भी हो सकता है और यहां पर भी एस बाई आर हो सकता है, इसीलिए हमने यह बात को यहां पर लिखने के लिए छोड़ दिया है। अब ऑपरेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा एडिशन के लिए बिल्कुल सही है, सबट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल सही है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बिल्कुल सही है, लेकिन डिवीजन के लिए सही नहीं है क्योंकि अगर 5 बाय 0 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर गलत, यहां भी गलत, मल्टीप्लाई करेंगे भी गलत, डिवाइड करेंगे भी तो गलत, सबके लिए गलत, इसको 2√5 लिख सकते हैं, 320 को 2 से हम भागा देंगे 160, 80, 40, 20, 10 और यहां पर 5 8√5 कट गया 1/4 श्री राम जय जय राम। अब यहां पर तीसरा रूप निकाले तो 6 ही हो जाएगा, यहां √3 है डिवाइडेड, पहले 12 का रूट निकलेगा तो 2√3 होगा और फिर रूट निकालेंगे तो √2 और चौथा √3 ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा और चौथा √3 ये वाला इसको काट देंगे, तो कितना बार में काटेगा यहां ध्यान दीजिए, यहां ये 3 के पावर 1/2 है और 3 के पावर 1/4 तो 3 के पावर 1/2 - 1/4 यानी 3 के पावर आपका हो जाएगा 1/4 ये आंसर आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।